लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन मंदिर मॉडल और ऊंचाई को लेकर संतों और ट्रस्ट के बीच मतभेद तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर को विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने और संगमरमर के पत्थर लगाने की मांग को लेकर संतों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान संतों ने राम मंदिर के मॉडल को लेकर असंतोष जाहिर किया। इस अवसर पर संतों की तरफ से अयोध्या के विधायक को भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र सौंपा गया। इस पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा। देखिए, संतों की इच्छा है और संपूर्ण विश्व के राम भक्तों की इच्छा है, हमारे देश के समस्त जगतगुरुओं की इच्छा है, अयोध्या में रामलला का मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। श्री अभिराम दास जी महाराज ने रामलला को प्रकट किया था श्री राम जन्मभूमि पर। जिन्होंने रामलला को अपने तपस्या के बल पर प्रकट किया, उनके खानदान के किसी व्यक्ति को इस ट्रस्ट में नहीं रखा गया है। धर्मदास मेरे गुरु भाई हैं, हम लोगों ने रामलला की पूजा किया है, सेवा किया है। श्री अभिराम दास कथा मंडप धर्मदास ने मेरे कहने पर श्री राम जन्मभूमि न्यास को लिख दिया था, और इसके बाद भी आज तक नया ट्रस्ट जो मंदिर निर्माण के लिए बना है उसमें हम लोगों की पूछ नहीं की गई है, पूछा भी नहीं गया अयोध्या के संतों से। जिन संतों ने खून बहाया, जिन संतों ने पसीना बहाया, जेल की यात्रा किया, सब जगह सारे विश्व में घूमा, ऐसे लोगों से बात करने के लिए समय नहीं लोगों के पास। मेरा ट्रस्ट का विरोध नहीं है, लेकिन ट्रस्ट से कहना है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर राम जी का बनना चाहिए। ऐसा मंदिर बने जो इस्लामाबाद से दिखाई दे, दिल्ली से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, कोलंबो से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखे, ऐसा मंदिर जो 1111 फुट ऊंचा मंदिर बने। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है, और मैं चाहता हूं कि सब लोग दखलंदाजी दें। अयोध्या में छोटा मोटा मंदिर बहुत हैं, हजारों मंदिर हैं, लेकिन रामलला का मंदिर बनने के लिए इतना खून पसीना बहाया गया, 128 फुट ऊंचा देखने के लिए नहीं बनाया गया, और उस पत्थर का नहीं, ऐसा पत्थर का बने, मकराना के पत्थर का बने, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने, छोटा मंदिर हम लोग नहीं चाहते हैं। ये अयोध्या के संतों की मांग है, इसीलिए आज दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्रदास जी महाराज की जगह पर हम लोग बैठे हैं। पूज्य परमहंस रामचंद्रदास जी महाराज, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज, स्वामी वामदेव जी, अशोक सिंगल, आचार्य गिरिराज किशोर जी और निवर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, ये सारे लोग बैठकर निर्णय लिए थे, इसी जगह बैठकर निर्णय लिए थे कि अयोध्या में जो मंदिर बनेगा दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा और सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। पत्थर को लेकर क्या आप लोग जो पिंक स्टोन है, पत्थर जो स्टोन रखे गए हैं वो चार दीवारी बनाई जाए, चारों ओर 20 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए, और मंदिर बने तो संगमरमर का, मकराना के पत्थर का। मैं अभी गया था गुजरात मांडवी, जहाँ पर 72 मंदिर बने हैं। हमारे बड़े भक्तमान के महंत श्री अवधेश दास जी महाराज के एक शिष्य मिले हमको, हमको मांडवी ले जाकर दिखाया उन्होंने कि देख लिए मंदिर ऐसा होता है। 72 मंदिर थे और सब संगमरमर के, 40-40 फुट लंबी बीम देखा। मेरा निवेदन है ऐसा मंदिर बने जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे भव्य मंदिर होने चाहिए। मंदिर ही केवल बने और कुछ न बने, मंदिर की भव्यता के रूप में जैसा प्रेम मंदिर वृंदावन का मैंने देखा उसी तर्ज पर, लेकिन ऊंचाई उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 111 फुट, 1111 फुट होनी चाहिए, मेरा ये कहना। वहीं राम मंदिर पक्षकार महंत धर्मदास का कहना है कि ट्रस्ट में अयोध्या के संतों की अनदेखी की गई है, ऐसे में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ऊंचाई विश्व में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही मंदिर में उच्च कोटि के संगमरमर भी लगाए जाएं। बैठक में क्या बैठक में निर्णय तो सब महात्मा लोग किए, जो भी निर्णय किए वो स्वीकार है। यह जो चीज के देखिए, कोई भी पंचायती व्यवस्था के एकीकरण नहीं होना चाहिए। यह एकीकरण हमने दिल्ली में 19 मार्च को जो मीटिंग में मैं भी गया था, और वहाँ पर मैं देखा सबको हालत, जिस तरह से बैठक हुआ, जिस तरह से लिखा पढ़ी हुआ, बैठक के पहले ही
बैठक के पहले ही चंपत राय अपने लिख करके ओके मंत्री बन गए, अध्यक्ष बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, और कोई वहाँ पर मीटिंग या कुछ भैबे नहीं किए, खाली एक देखावटी कार्य भया। तो जब एक आदमी ही सारा कार्य करने लगेगा तो वो संस्था में, वो व्यवस्था में विकृति छा जाएगी। इसलिए वहाँ पर देखा, एक ही करण कोई चीज के, एक ही आदमी जो पकड़ लेगा, एक आदमी कहेगा तुमने सब चीज हो। क्या राम मंदिर से जुड़े संतों के जो आपके पीछे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन लड़ी है, क्या उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा चंपत राय जी के? कोई पर देखिए, चंपत राय के द्वारा परामर्श, चंपत राय के अति तो नहीं है कि वही संपर्क करेंगे, लेकिन संपर्क नहीं, यहाँ के कोई भी कार्य कोई नहीं कोई कर रहा है। केवल अभी देखिए, वहाँ पर जो निकला खुदाई में अभी निकल रहा था, उस समय खुदाई एक व्यवस्था है, वो हिंदू मुसलमान के खुदाई में कि क्या प्रमाण निकला, कहाँ निकला, तो उसको तो एक ख़त्म हो गया, तो उसको प्रचार करने के कोरोना काल में उसको खुदाई हो रहा, ये हो रहा, जनता दौड़ के आने लगी, ये करने लगा, वो करने लगा, तो चंपत राय भाषण करने लगे कि ये निकल गया, ये निकल गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दायर में दावा में है कि सब चीज़ आ गया था, कि इतना सामान निकला, पत्थर निकला, सब चीज़ निकला, तो भिन्न बीच में किए। तो ये इस राम जन्मभूमि पर राजनीति लो न करे। साधु समाज, अयोध्या के साधु समाज, पूरा भारत के साधु समाज इस मंदिर को विषय में का नाम है व्यवस्था करेगा। बात कह रहा हूँ, हम अपना बात कह रहा हूँ, साधु समाज के अवहेला कर करके ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक ट्रेनिंग सेंटर बना दें, ये होने वाला नहीं है। ये है, हम लोग हैं जोगी जी के आदमी, जोगी जी के कोई बात ना हो, इसलिए हम लोग बहुत बात ऐसा है जो कहते भी नहीं है। अच्छा, क्या संत समाज लॉकडाउन के बाद? बेहद रूप से तो पहले से चर्चा के हम लोग तैयारी में बैठे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन खुले, कोई व्यवस्था हो, पहले से हम लोगों का यहाँ नहीं बनेगा, तो हर जगह से परिश्रम कर करके मंदिर साधु समाज के ही अंदर में रहेगा। इन लोगों के छपटाने से कोई होने वाला कुछ नहीं है। जनता से एक प्रार्थना है कि अपना हिसाब से आदमी रहे, किसी के भ्रम में ना आवे, राम जी जन्मभूमि के काम हो, अब बढ़िया से हो, अब बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बने। हाँ, संगमरमर पत्थर से, जो पत्थर है वो, ये पत्थर के देखिए, ये कितना दिन के, 30 वर्ष के धरा हुआ वो पत्थर है, वो पहले ही तो वो तो 30 वर्ष पानी जल खा करके वो अपना जगह पर गया, आ उसके बाद में उतना बढ़िया मंदिर उस जगह पर, वही पत्थर लगेगा पुराना, हाँ बस संगमरमर के पत्थर। हालांकि मंदिर मॉडल को लेकर जारी खींचतान के बीच अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी संतों को हर संभव आश्वासन दिया। उन्होंने संतों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को सीएम योगी और पीएम मोदी तक पहुंचाया जाएगा। किस संबंध में यहां आए थे संतों के द्वारा जो बैठक हो रही है, क्या मामला क्या है पूरा? देखिए, मैं मुझे सब संत महंतों के आशीर्वाद से, अयोध्या वासियों के आशीर्वाद से अयोध्या की सेवा करने का अवसर मिला है विधायक के रूप में, तो निश्चित रूप से मैं अयोध्या तो निरंतर रोजाना ही आता हूँ पूज्य संत महंतों के चरणों में प्रणाम करने, और आज भी मैं आया था। 3-4 दिन से मैं बाहर था, लखनऊ था, तो मैं रात में आया था। आज सुबह मुझे जानकारी मिली बैठक के बारे में, तो मैं आया था प्रणाम करने, और निश्चित रूप से पूज्य संत महंतों की जो भावना है मैं उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहुँचाऊँगा। ऐसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त लोकसभा में कहा था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, और पूज्य संत महंतों ने भी अभी जो मुझे ज्ञापन दिया है उसमें भी उनकी यही मांग है कि भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, संत महंतों को विश्वास में लेकर कार्य संपन्न होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पूज्य संत महंतों की इच्छा है, राम मंदिर की इच्छा सबकी है, और सबकी इच्छा है अयोध्या के पूज्य संत महंतों के, अयोध्या वासियों, पूरे विश्व के, देश के, दुनिया के लोगों की, कि भव्य दिव्य राम मंदिर बने। वो माननीय प्रधानमंत्री कह चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये तो बैठक पूज्य संत महंतों की आपस में होती रहती है अयोध्या के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। कल जो बैठक हुई थी उसमें संत जन जो वरिष्ठ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे वो नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी कार्य प्रणाली को लेकर ट्रस्ट के, और साथ ही
यही संत पहले में इसी पत्थर से मंदिर निर्माण की बात कर चुके हैं कुछ दिन पहले ही, और आज इसी पत्थर पर संतों को अविश्वास है, क्या ये देखिए ऐसी कोई बात की लालच है? इस ज्ञापन में तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही आज मेरे से इस तरह की कोई बात आई। यही आई कि भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए और सबको साथ लेकर सबको विश्वास में लेकर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सब इसमें सहमति है। कोई ऐसी बात कहीं से भी नहीं लगी कि कोई विरोधाभास हो या कहीं कोई किसी प्रकार का नाराजगी हो, और संत पूज संत महंत हैं, यदि नाराज भी होगी तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि इस ज्ञापन में ये अंकित किया गया है कि साधु संतों को विश्वास में लेके, तो क्या मौजूदा में समय में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो साधु संतों को विश्वास में नहीं लिया गया है? देखिए ऐसा नहीं है, वो यहाँ के पूज मणिराम छावनी के महंत नित गोपाल दास जी उसके अध्यक्ष हैं और तमाम संत महंत पूज संत महंतों से सीधा जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से विश्वास की बात तो कहीं से भी, अविश्वास की बात तो कहीं से भी नहीं है, और निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप होगा तो उसको दूर किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं किसी का विरोधाभास नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कहीं किसी की नाराजगी नहीं है, मैं इस बात को पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद के मॉडल पर हो रहा है। VHP के मॉडल के मुताबिक राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट है। अयोध्या में संतों के एक धड़े की मांग है कि राम मंदिर की ऊंचाई 1111 फीट होनी चाहिए। नाराज संतों का नेतृत्व राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती कर रहे हैं। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।